नमस्कार, एनएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा राणा। आइए अब नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। टोक्यो के होंडा हवाई अड्डे पर दो यात्री विमान आपस में टकराए, घटना के बाद रनवे हुआ बंद। वर्क फ्रॉम होम खत्म होते ही टीसीएस में इस्तीफा का दौर, महिला कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की तादाद बढ़ी। एआई समय ही नहीं जान भी बचा रहा, नई तकनीक से केरल में सड़क दुर्घटनाओं में आई कमी। कम होनी शुरू हो जाएगी होम लोन की ब्याज दर। अब खबरें विस्तार से। शनिवार को टोक्यो के एक प्रमुख हवाई अड्डे पर रनवे पर दो यात्री विमान गलती से आपस में टकरा गए। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। जापानी मीडिया रिपोर्टरों में कहा गया है कि बैंकॉक की ओर जाने वाले एक थाई एयरबेज इंटरनेशनल जेट होंडा हवाई अड्डे पर ताइपे की ओर जाने वाले ईवा एयरबेज के विमान से टकरा गया। इस घटना के बाद रनवे को बंद कर दिया गया। वित्त वर्ष 2022-23 में टाटा ग्रुप की ओर से वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दिया गया है। इस कारण कंपनी के महिला कर्मचारियों के इस्तीफों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी टीसीएस की ओर से कहा कि कंपनी में महिलाओं की नौकरी छोड़ने की दर ने पुरुषों से भी आगे निकल गई। केरला रोड एआई कैमरों के चालू होने के बाद केरल में सड़क दुर्घटनाएं मृत्यु कम देखने को मिली। कैमरों की मदद से चलान काटने के कारण लोग अब सतर्कता से गाड़ी चलाने लगे हैं। आरबीआई एमपीसी मीट 2023 आरबीआई के गवर्नर ने मौद्रिक नीति पर फैसला सुनाया था। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि होम लोन के ब्याज दरों में कटौती आएगी। आरबीआई की मौद्रिक नीति में रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया गया है। महंगाई के स्तर पिछले कुछ महीनों से कमी आई है। आरबीआई के फैसले के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि यह घर खरीददारों और उधारदाताओं के लिए काफी अच्छा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एनएमसी न्यूज के साथ।